नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। कल स्ट्रीम में मेरे पास बहुत सारे सभी के कमेंट्स आ रहे थे, गौतम गुलाटी को क्या शहनाज गिल ने कॉल किए या फिर गौतम गुलाटी ने शहनाज गिल को कॉल किए, दोनों ही तरफ बातें हो सकती हैं। जी हाँ, सब कुछ क्लियर करने आ गया हूं, क्योंकि कल लाइव स्ट्रीम में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ पढ़ के थक गया था ऐसे कमेंट्स। चलिए, इनफैक्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं गौतम गुलाटी से शहनाज गिल का क्या है मतलब। यार, शहनाज गिल गौतम गुलाटी को अनफॉलो पहले ही कर चुकी हैं, इंस्टाग्राम से भी और सभी जगह से भी। ट्विटर इतना शहनाज गिल यूज़ करती नहीं है, बस कभी फीड करना होता है, स्टेटस वगैरह अपडेट वगैरह देना होता है, वो सब कर देती हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर शहनाज कौर गिल एक्टिव रहती हैं हमेशा। तो इंस्टाग्राम पर से शहनाज गिल ने गौतम गुलाटी को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद में गौतम गुलाटी लाइव आए थे या कोई इंटरव्यू हुआ था, शायद आपका ही कहना था वो, तो वहाँ पर गौतम गुलाटी सब कहते हुए नजर आए थे। शहनाज गिल से मेरी बात हुई थी अभी परसों, दो दिन पहले शहनाज गिल ने मुझे कॉल की थी। क्या था वो रीज़न, सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहनाज गिल को मैं कंफर्म कर चुका हूँ पूरी तरीके से कि शहनाज गिल ने गौतम गुलाटी को कॉल नहीं किया। शहनाज गिल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हैं, उस बिजी लाइफ में गौतम गुलाटी को भला क्यों याद करेंगी, उनके साथ में ना कोई काम ना ऐसी कुछ बात जिससे गौतम गुलाटी को शहनाज गिल कॉल करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल शहनाज गिल लोनावला, मुंबई के लोनावला में है, वहाँ पर शहनाज कौर गिल सिद्धार्थ के साथ में काम करती हुई नजर आने वाली हैं। तो इनके प्रोजेक्ट का हमारे को करना होगा वेट, मगर अभी फिलहाल गौतम गुलाटी से शहनाज गिल ने कोई फ़ोन कॉल पर बात नहीं की है। गौतम गुलाटी का अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, कोई कुछ भी कहता रहा है, क्योंकि गौतम गुलाटी शहनाज गिल के पीछे लगे हुए हैं, मगर शहनाज गिल गौतम गुलाटी को भाव नहीं दे रही हैं। जी हाँ, वो सिर्फ सिद्धार्थ से ही प्यार करती हैं, सिर्फ सिद्धार्थ उनका मकसद है, सिद्धार्थ ही उनका पहला और आखिरी ऐसा सिद्धार्थ हैं जो उनकी लाइफ के अंदर हैं। अब वो सिद्धार्थ के अलावा और किसी को अपनी लाइफ में बना के नहीं रखना चाहती, वो यही सब चाहती मैं अपनी ज़िंदगी इस शख्स के साथ में ही बिताऊं। तो इस वजह से सिद्धार्थ को भी अच्छा नहीं लगता कि वो गौतम गुलाटी से या फिर किसी और से बात करें, सिद्धार्थ को जायज़ फील होता है। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है शहनाज गिल को लेकर, इस वजह से सिद्धार्थ की बात पूरी तरीके से मानती हैं शहनाज गिल। जिस तरीके से मैंने अपडेट में कन्फर्म किया, शहनाज गिल ने गौतम गुलाटी से कहीं तक बात नहीं करी है। सिद्धार्थ फैंस सारे हैप्पी, टेंशन फ्री, और ऐसे टेंशन लेने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल गौतम से बात नहीं हुई है शहनाज गिल की। अगर गौतम उल्टा सीधा कहता हुआ नजर आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि अभी बात नहीं की है शहनाज गिल ने। अगर कुछ ऐसा है तो मैं अपडेट फीड कर दूंगा इस चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नहीं और इनसे जुड़ी अपडेट्स भी रेगुलर आप तक पहुंचाई जा रही हैं, तो जल्दी से करिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।